नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली बिहार में आज दो बड़ी खबरें हैं उसमें से एक है तेजस्वी यादव प्रकट हो गए हैं तो दूसरी खबर है कि सीएम नीतीश कुमार राजगीर में रहेंगे क्या कुछ लबलुबाब रहेगा हमारा सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर आपको समझा रहे हैं तो अगली आवाज ज्ञानेश्वर की आज उनतीस जून है NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को NSIT a place to imagine invent and inspire NSIT अमहारा बेटा पटना और आज सुबह से बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोरस में दो बड़ी खबरें तेजी से तैर रही हैं पहली खबर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर जा रहे हैं उनका सरकारी कार्यक्रम है राजगीर जाना सोमवार को लौटेंगे सोमवार को बिहार विधानसभा के सत्र में शामिल होंगे लेकिन नीतीश कुमार जब कभी इन महीनों में राजगीर गए हैं पूरा बिहार और साथ में देश अलर्ट मोड में आ जाता है कि नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं दूसरी बड़ी खबर कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार मतलब सुनने पर आउट हो जाने के बाद गायब चल रहे तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं वैसे तेजस्वी यादव का फिजिकल अपेयरेंस अभी मीडिया के सामने नहीं हुआ है और वे किसी से मुखातिब नहीं हुए हैं पर ट्विटर पर वे प्रकट हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ हूं इसके साथ ही उन्होंने अपने गायब रहने की कई वजह बताई हैं खैर इसके पहले हम नीतीश कुमार के राजगीर प्रवास की चर्चा कर लेते हैं देखिए नीतीश कुमार राजगीर जा रहे हैं कहा जा रहा है कि वहाँ पर्यटन विभाग के काम की समीक्षा करेंगे और भी कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे सरकारी निर्णय होंगे तय है कि इसके लिए उनके साथ सरकारी अमला होगा पर उनका राजगीर जाना कहीं और जाने की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण पॉलिटिकली क्यों हो जाता है यह समझने की जरूरत है देखिए जब जब नीतीश कुमार राजगीर जाते हैं तो कोई बड़ा फैसला होता है चाहे वह फैसला पॉलिटिकल हो चाहे वह फैसला प्रशासनिक हो तो देखिए हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राजगीर जाने तेजस्वी यादव के पटना लौट आने से इन दोनों के बीच में कोई संबंध है यह बात बिल्कुल अभी नहीं कही जानी चाहिए लेकिन यह बात तो सभी समझ रहे हैं कि भाजपा के साथ नीतीश कुमार अब कंफर्ट जोन में नहीं है जब से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जदयू ने शामिल नहीं होने का फैसला कर लिया क्योंकि इसलिए शामिल नहीं होने का फैसला कर लिया कि जदयू सांकेतिक भागीदारी के पक्ष में नहीं था वह आनुपातिक भागीदारी के पक्ष में था इसके बाद आपने देखा कि बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ और इसमें भाजपा के कोई मंत्री नहीं शामिल किए गए और कल का ही घटनाक्रम देख लीजिए अट्ठाईस जून को जब अमित शाह लौटे कश्मीर से उन्होंने क्या भाषण दिया और उन्होंने धारा तीन पर कई कही बातें कहीं उन्होंने कहा कि धारा 370 जब लागू किया गया था तो कहा गया था कि यह अस्थाई है तो अस्थाई मतलब स्थाई नहीं होता है खैर नीतीश कुमार का इस मसले पर इस मसले पर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर है वे जदयू के स्टैंड की बात करते हैं वे कहते हैं कि तीन नहीं हटाया जा सकता है और जब कभी इसके लिए वोटिंग की जरूरत होगी जदयू का स्टैंड पहले से क्लियर है वे इसके खिलाफ वोट करेगा खैर लोकसभा में जो अभी बहुमत का आंकड़ा है जदयू यदि विपक्ष में भी वोट करता है और धारा तीन हटाने की बात आती है तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि भाजपा स्पष्ट बहुमत पाए हुए है तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं आप देख रहे हैं आ, मंगल पांडे के इस्तीफे को लेकर चर्चा हुई किसी ने यह कंफर्म नहीं किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा मांगा है लेकिन किसी ने इनकार भी नहीं किया कि हां इस्तीफा नहीं मांगा गया था जो मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत हुई उसके बाद की जो राजनीति है तो ये सारे घटनाक्रम है और इस बीच नीतीश कुमार राजगीर जा रहे हैं तो बिहार को ही नहीं देश को देश को भी जगह रहना पड़ेगा कि कोई बात तो है नहीं देखिए मैं ये नहीं कहा कि कोई बात है लेकिन इसके लिए जगह रहना पड़ेगा कि कोई बात सचमुच में तो नहीं है दूसरी बात तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं और पटना आते ही उन्होंने कहा है कि मैं बीमार था उनके कंधे में और घुटने में काफी लंबे समय से परेशानी थी और इसका इलाज करा रहा था देखिए अब तेजस्वी यादव की इन बातों पर कितना लोग भरोसा करेंगे यह देखने वाली बात होगी क्योंकि यदि तेजस्वी यादव बीमार थे वे लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद गायब हुए थे और यदि वह सचमुच बीमार थे जैसा वो कह रहे हैं कि मैं बहुत लंबे अरसे से परेशान था और मैं इलाज नहीं करा पा रहा था तो मैं इन दिनों इलाज करा रहा था तो यदि सचमुच में तेजस्वी यादव परेशान थे तो वो इलाज करा रहे थे तो वे अपनी परेशानी और इलाज और बीमारी की वजह बता सकते थे बिहार के लोगों को जो जानने के लिए लगातार बेचैन थे कि वे हैं कहाँ क्यों गायब हो गए हैं क्या राजनीति से उनका मन अघा गया है क्या लालू यादव के परिवार में इतना बड़ा महाभारत है कि वे पहले इस महाभारत को खत्म कर लेना चाहते हैं तो खैर यह बात अब आने वाले दिनों में होगी जब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने प्रकट होंगे तो उन्हें बताना होगा खैर उन्होंने क्या बताना है और क्या नहीं बताना है यह पहले स्पष्ट कर लिया है ट्विटर पर ही लिख दिया है कि वो बीमार थी इलाज करा रहे थे खैर मीडिया तब भी पूछेगी कि आप इलाज कहाँ करा रहे थे तो ये सारी बातें हैं तेजस्वी यादव अब देखना होगा कि जो बिहार विधानसभा का सत्र सोमवार से फिर से शुरू होगा और नीतीश कुमार भी होंगे तेजस्वी यादव भी होंगे तेजस्वी यादव कितने अटैकिंग मोड में आते हैं नीतीश कुमार के प्रति यह बात देखनी होगी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो वे तो पलटू चाचा के बारे में कह रहे थे नीतीश कुमार के बारे में कह रहे थे पर अब किन का क्या स्टैंड है कैसे स्टैंड है पॉलिटिकल क्या मोड रहता है कौन किस रूप में सामने आते हैं ये सारी बातें बिहार देखने के लिए तैयार हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है जो बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में तेजी से चल रही है कि नीतीश कुमार राजगीर जा रहे हैं और तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं इन दोनों का मैं फिर से कह रहा हूं कि दोनों का कोई जोर नहीं है लेकिन देखते रहना होगा कि सब कुछ ठीक है ना बिहार में एनडीए का अलायंस जो है अभी मजबूत है ना वैसे नीतीश कुमार कहते रहे कि देखिए अलायंस में कोई परेशानी नहीं है मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होना इसका आशय यह नहीं है कि वे नाराज हैं वे कह रहे हैं कि बिहार में हम ठीक से काम कर रहे हैं दोनों पार्टियां ठीक से काम कर रही हैं जो अलायंस है लेकिन राजगीर गए हैं तो ध्यान रखना तो पड़ेगा ही और तेजस्वी यादव पटना लौट आए तेजस्वी यादव की नई रणनीति क्या होती है वे नीतीश कुमार को कितना घेरते हैं वे भाजपा को कितना घेरते हैं वे मुजफ्फरपुर में जो बच्चों की मौत हुई है उनकी देखभाल के लिए क्या करते हैं नेता प्रतिपक्ष की हैसियत में उनकी भूमिका क्या होती है ये सारी बातें अब हमें नज़र रखनी होगी बिहार भी नज़र रखेगा देश भी नज़र रखेगा अभी के लिए इतना ही और आगे जो कोई अपडेट्स होंगे वह लाइव स्ट्रीज आपको सबसे पहले बताएगा धन्यवाद तो आपने सुन लिया किस तरह से बिहार में सियासत लगातार करवट ले रही है आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देरी के सब्सक्राइब करें फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइव पर जाएँ धन्यवाद